5 मुस्लिम नौजवानों को रात के टाइम पर जो है चार तलवारों त्रिशूलों के जरिए से जो है जख्मी किया जाता है। एक आलिम दीन जो मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था उसके ऊपर भी जो हमला कर जो है उसका सिर फोड़ा गया है। जितने भी पुलिस वाले कल लाठी चार्ज के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे उन सभी को जो है सस्पेंड करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को भी अननेसेसरी अरेस्ट किया गया है। ये छोटे मोटे धमकियों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली नहीं है। जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होता हम इसको जारी रखेंगे। संगी पुलिस मुर्दाबाद, संगी पुलिस मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, मैंगलोर पुलिस शर्म करो, मैंगलोर पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। कर्नाटका के अंदर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जुल्म जारी है। संघ परिवार के तरफ से आए दिन जो है मुस्लिम नौजवानों के ऊपर हमले जारी हैं। 8 दिन पहले मैंगलोर के अंदर 5 मुस्लिम नौजवानों को रात के टाइम पर जो है चार तलवारों त्रिशूलों के जरिए से जो है जख्मी किया जाता है। और वो नौजवानों को बचाने के लिए जब मुस्लिम नौजवान मैदान में उतरते हैं उनको भगाने के लिए, तो उस वक्त जो इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट के बाद वो अपने आप की हिफाजत के लिए वो लोग जब उनको रोकने के काम करते हैं तो मैंगलोर पुलिस जो हमेशा संघियों के साथ रहती है, आरएसएस के साथ रहने वाली पुलिस है, उसने उनको गिरफ्तार करने के बजाय, संघियों को गिरफ्तार करने के बजाय जो लड़के मुस्लिम लड़के उन पर हमला किए थे उनको जो है गिरफ्तार करने के बजाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ पुलिस स्टेशन के सामने, उप्पिनंगड़ी पुलिस स्टेशन के सामने। उस एहतजाज के अंदर खामोशी के साथ रोड पर बैठकर एहतजाज करने वालों के ऊपर, जो जमहूरी अंदाज के अंदर एहतजाज करने वालों के ऊपर मैंगलोर पुलिस ने जो है लाठी चार्ज की है। कई लोगों का जो है उसके अंदर सिर फूटे हैं, कई लोगों के कई सीवियर जख्म उसके अंदर आए हैं। एक आलिम दीन जो मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था उसके ऊपर भी जो हमला कर जो है उसका सिर फोड़ा गया है। जो मैंगलोर के अंदर आईसीयू के अंदर वो एडमिट है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पुलिस किसके इशारे के ऊपर काम कर रही है? पहले तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते आप, पहले तो हमारे ताल्लुक से बात नहीं कर सकते आप, दूसरी तरफ हिफाजत करने वालों के ऊपर और जमहूरी अंदाज के अंदर एहतजाज करने वालों के ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जितने भी पुलिस वाले कल लाठी चार्ज के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे उन सभी को जो है सस्पेंड करना है। और जिन जिन लीडरों को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों को कर्नाटका गवर्नमेंट के इशारे पर, बीजेपी के इशारे के ऊपर गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरन रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। और अगर ये नहीं रुकेगा तो आने वाले दिनों के अंदर जो है कर्नाटका में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजात जो है कर्नाटका गवर्नमेंट और मैंगलोर पुलिस के खिलाफ होंगे। जिस तरीके से मैंगलोर पुलिस का जो रूप सामने आया है वो हर वक्त इसी तरीके से संघियों के इशारों पर काम करते हैं। कल जो मुसलमानों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके दिफा में कुछ लोग ज़मीन पे उतर कर अपने आप को दिफा की तरफ ले जा रहे थे। वो क़ानूनी हक है, वो क़ानूनी हक की वजह से वो लोग जो दिफा में थे उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को भी अननेसेसरी अरेस्ट किया गया है। तो हम लोग वही पूरे स्टेट में आज डिमांड कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अननेसेसरी आप इन्वॉल्व मत करिए। जो संघ के इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं हमें पता है। ये छोटे मोटे धमकियों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली नहीं है। आप लोग कानून के दायरे में रहकर अपना काम करिए तो हम आपके साथ हैं, वरना आपके खिलाफ हर वक्त हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल छोटे लेवल पे हम कर्नाटका में प्रोटेस्ट किए हैं, आने वाले दिनों में हम रोडों पर उतर कर भी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होता हम इसको जारी रखेंगे।